हिमाचल सरकार ने बिजली की दरें बढ़ाने का निर्णय कुछ दिन पहले लिया है, जिसका अब विरोध सोलन में देखने को मिल रहा है। सोलन के स्थानीय निवासियों का कहना है कि एक तरफ लॉकडाउन की मार पड़ रही है, उसके साथ साथ सरकार ने डीजल के रेट बढ़ा दिए हैं। अब प्रदेश सरकार बिजली की दरें बढ़ा रही, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक मंदी छाई हुई है, आय के सभी स्रोत लगभग समाप्त हो चुके हैं, जमा पूंजी से ही घर का खर्च चल रहा है, जल्द वे भी खत्म होने वाली है। ऐसे में बिजली की दरें बढ़ाकर उनकी मुश्किलों को सरकार और ज्यादा बढ़ा रही है। इसलिए प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह अपना ये निर्णय जल्द बदले, ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। रोष प्रकट करते हुए सोलनवासियों ने कहा कि कोविड कर्फ्यू के चलते लोग बेरोजगार हो चुके हैं, आय के साधन नहीं है, ऊपर से प्रदेश सरकार बिजली की दरें बढ़ा रही है, जो बेहद गलत है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने बिजली की दरें बढ़ानी ही थी तो उसे कुछ समय इंतजार करना चाहिए था, जब स्थिति सामान्य हो जाती तो वे दरें बढ़ाई जा सकती थी। उन्होंने ये भी कहा कि आज के समय में सोलन का व्यापारी कोरोना संकट से जूझ रहा है, बाजार में ग्राहक बेहद कम है, कमाई बिल्कुल बंद है। ऐसे में बिजली की दरों को अचानक बढ़ाना हिमाचल की जनता के हित में नहीं है, इसलिए प्रदेश सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए, ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। सर देखो, एक तो पहले ही आपको पता है कि लॉकडाउन में पहले ही कमाई है लोगों की, घर बैठे हैं, इन लोगों नहीं है काम, कुछ काज कुछ नहीं है, काफी लोग बेरोजगार हो चुके हैं, और ऊपर से ये सरकार की मार होगी अगर ये चीज, अगर बिजली के वो बढ़ गए हैं तो बड़ी दिक्कत होगी, आम आदमी बड़े परेशान हो जाएगा। एक तो पहले ही इनकम सोर्स कम हो गया है, सब कुछ छूट गया है लोगों के, बेघर हो गए लोग, खाने पीने के वो नहीं होते हैं। अब इसमें अगर सरकार ऊपर से और बिजली की दरें बढ़ा देगी तो आम आदमी तो पिसेगा ना इसमें। सर हम यही मांग रखते हैं कि थोड़ा इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए, हर चीज़ के लिए आम आदमी के लिए। एक इस पोजीशन में कुछ एक चीज़ एकदम से आप कुछ बटन डाल दोगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जिस कोरोना काल में आपको पता है इतनी वैश्विक महामारी चल रही है, इसमें अगर आप लोग ये चीज़ करोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी हर चीज़ के लिए। इसमें ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में 11 लाख कंज्यूमर वो है जो 125 यूनिट से कम यूज़ करते हैं, और 9 लाख के करीब ऐसे हैं जो 125 यूनिट से ज़्यादा कंजम्पशन है। ये इम्पैक्ट उन लोगों पे आएगा जिनके यहाँ 125 यूनिट से ज़्यादा मंथली कंजम्पशन होती है। हम मानते हैं हम सरकार के साथ खड़े हैं इस मुश्किल समय में भी, लेकिन हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का एक राइट समय होता है। सरकार का ये डिसीजन है, और इसको अगर ये डिसीजन इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इसमें सरकार को 100 करोड़ रुपये सालाना इनकम जनरेट होगी इससे। लेकिन हम आपके माध्यम से जरूर ये कहना चाहेंगे कि अभी जो है आप ये देखिए कि लोगों के जो बिजनेसेस हैं या कोई जॉब करने वाले लोग हैं, जो प्राइवेट जॉब करने वाले लोग हैं, उनको छोटे छोटे अमाउंट का भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन हम ये चाहेंगे इसका इस समय अगर इसको ये 3 महीने एक्सटेंड कर देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा था हमारे लिए, 3 या 6 महीने बाद इम्प्लीमेंट करें ताकि इकॉनमी पैरेलल आ जाए। अभी कोरोना वायरस चल रहा है और इससे लोग बाहर नहीं आ पाए हैं, उसके बाद एक मार और पड़ जाएगी तो उसका भी हमारे को थोड़ा अफसोस है। तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि सरकार से हम हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि अगर ये डेफर हो सकता है थोड़े दिनों के लिए तो इसको डेफर कर दें। एक तो पहले ही काम नहीं है, दुकान पे सुबह आ जाते हैं, लाइटें इतनी जलानी पड़ती है तभी कस्टमर अट्रैक्ट होता है, और ऊपर से सरकार इतने मंदे हालत में बिजली बढ़ के रेट बढ़ा रही है, दाम बढ़ा रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ ये दाम किस लिए बढ़ा रही है? या तो हम बिजली ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, या आप कहीं प्राइवेट कंपनीज में ये बिजली दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मुझे इसके चलते ये परेशानी आ रही है कि जैसे मैं सुबह आ जाता हूँ दुकान पे 9 बजे और मैं 8 बजे तक दुकान खोलता हूँ, मेरी पूरे दिन लाइटें जलेंगी। सर अगर बिजली के रेट बढ़ जाएंगे तो आने वाले टाइम में काम भी, जैसे कोरोना महामारी की वजह से नहीं चल रहा है, जब बिल डबल हो जाएगा तो बिल, दुविधा तो अपने आप आएगी।